नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र अगले नोटिस तक बंद। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में सभी भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। शेख हसीना के इस्तीफे और भारत में शरण लेने के बाद ये निर्णय लिया गया है। आवेदकों को अगली तिथि SMS के माध्यम से सूचित की जाएगी। नेटफ्लिक्स के बाद डिज्नी प्लस यूजर्स को झटका। डिज्नी प्लस जल्द ही पासवर्ड शेयरिंग पर कड़ी नकेल कसने जा रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि सितंबर से पासवर्ड शेयरिंग केवल घर के अंदर ही सीमित रहेगा। इसके अलावा डिज्नी पैड शेयरिंग विकल्प पेश कर सकता है। हालांकि इसके बारे में अतिरिक्त शुल्क के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने GDP ग्रोथ अनुमान में किया संशोधन। RBI की MPC बैठक में रेपो रेट 6.5% पर स्थिर रखा गया है। GDP ग्रोथ अनुमान को 7% किया गया है, जबकि महंगाई दर के अनुमानों में वृद्धि की गई है। UPI टैक्स पेमेंट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है और चेक पेमेंट क्लियरेंस को जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। वायनाड भूस्खलन में मृतकों की संख्या हुई 413। वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 413 लोगों की मौत हो चुकी है और 152 लोग अभी भी लापता है। बचाव अभियान के तहत 1000 से अधिक कर्मियों ने तलाशी शुरू कर दी है, जिसके साथ 78 शव बरामद कर लिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य 10वें दिन भी जारी है। श्रीनगर में चुनाव आयोग की निरीक्षण यात्रा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और PDP-BJP के सदस्यों ने ECI की टीम से मुलाकात की है। सभी ने जम्मू और कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। 10 दिवसीय धार्मिक टूर पैकेज 14 सितंबर से शुरू। IRCTC कोलकाता गंगा सागर यात्रा का आयोजन 14 से 23 सितंबर 2024 तक करेगा। इस 9 रात और 10 दिनों के पैकेज में बैद्यनाथ मंदिर, विष्णुपद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, गंगा सागर, काली मंदिर, कोलकाता, काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा। राष्ट्रपति और PM ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर जताया दुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। भट्टाचार्य का आज सुबह कोलकाता में निधन हो गया। 82 वर्ष के थे। दोनों नेताओं ने उनके राजनीतिक योगदान और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। अब स्पैम कॉल से मिलेगी आजादी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि स्पैम कॉल पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा नियमों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। TRAI ने टेलीकॉम मार्केटिंग कंपनियों और सेवा प्रदाताओं से सख्त कदम उठाने की मांग की है। राजनाथ सिंह से मिली मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की है। राजनाथ सिंह ने भाकर के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि हर भारतीय उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन से उत्साहित है। अब डेंगू से नहीं डरेगा भारत, आ रहा है वैक्सीन। डेंगू की वैक्सीन अगले साल तक भारत में उपलब्ध हो सकती है। फिलहाल 4 कंपनियों द्वारा ट्रायल जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस बार डेंगू के मामले पिछले साल की तुलना में अधिक हो सकते हैं और अक्टूबर में मामलों की संख्या पीक पर होगी। राज्यों को अगस्त से नवम्बर तक डेंगू से निपटने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अपने सांसदों पर नजर रखेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने संसद में अपने सांसदों की सक्रियता पर निगरानी रखने के लिए एक समिति गठित की है। समिति का गठन राहुल गांधी के निर्देश पर हुआ है और ये सांसदों के प्रदर्शन को विभिन्न पैमाने पर आंकेगी। राहुल गांधी ने सांसदों की बेहतर सक्रियता सुनिश्चित करने की दिशा में ये कदम उठाया है। शर्मनाक हार पर भड़के रोहित शर्मा। भारतीय टीम को 27 सालों के बाद वनडे सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तीसरे वनडे में भारत को 110 रन से हराकर 2-0 से सीरीज जीत ली। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टीम को भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार खिलाड़ियों का चयन करना होगा और साहसिक प्रदर्शन की भी जरूरत है। उन्होंने बल्लेबाजों से कहा कि चुनौतीपूर्ण पिचों पर व्यक्तिगत रणनीतियों के साथ लगातार साहस दिखाना जरूरी है। पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर जानिए कब से होगा चालू। पटना के गांधी मैदान से गायाघाट जाने वाले लोगों को अगले साल से जाम से छुटकारा मिल जाएगा। अशोक राजपथ पर बढ़ते वाहनों के दबाव से निपटने के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इसका आधे से अधिक निर्माण काम पूरा हो चुका है। बता दें कि जनवरी 2025 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा, इसका अनुमान लगाया गया है।
आरजेडी में हिना शहाब की हो सकती है वापसी। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा ने बुधवार रात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हिना शहाब राजद में वापसी कर सकती हैं और राज्यसभा उपचुनाव लड़ सकती हैं, जबकि उनके बेटे या बहू को भी टिकट मिल सकता है। मुलाकात के बाद पार्टी में उनके शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। कड़ी सुरक्षा के बीच सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। ये परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की गई और दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चली। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2.5 घंटे पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया था। विनेश फोगाट पर क्या बोल गए बिहार के खेल मंत्री, खूब हो रहा चर्चा। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने विनेश फोगाट के ओलंपिक में फाइनल से बाहर होने पर टिप्पणी करते हुए इसे बिहार के लिए दुख की बात बताया। विनेश फोगाट हरियाणा के खिलाड़ी हैं, लेकिन मंत्री को नहीं पता था कि वे किस राज्य के खिलाड़ी हैं। मंत्री ने जो मीडिया के सामने बयान दिया, उस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रहा है। लिट्टी चोखा सहित बिहार के 6 मशहूर चीजों को मिलेगा जीआई टैग। बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा को जल्द ही जीआई टैग मिल सकता है। यह गेहूं के आटे से बनाया जाता है और इसमें सत्तू भरा जाता है। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने इसके लिए पहल की है। इसके अलावा पानी फल, सोनाचूर, चावल, गुलसन, टमाटर और दीघा मालदा को भी जीआई टैग मिलने की प्रक्रिया जारी है। यूपीआई यूजर्स के लिए खुशखबरी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के लिए एक सार्वजनिक रिपोजिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे अनाधिकृत ऐप्स को रोकने में मदद मिल सकेगी और वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को रिपोर्टिंग के लिए समय सीमा को कम करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर को अधिक वास्तविक समय में अपडेट किया जा सकेगा। मीसा भारती के खाली सीट से राज्यसभा जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में खाली हुई राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिलनी तय है, जबकि दूसरी सीट पर भाजपा और जदयू के बीच विवाद जारी है। भाजपा या जदयू में से किसी एक को ये सीट मिलने पर दूसरी पार्टी को विधान परिषद की सीट दी जाएगी। इसके बाद राज्यसभा में एनडीए की संख्या बढ़ाने की संभावना है। पूरी तरह से स्वस्थ है बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष। बोधगया के महाबोधि मंदिर में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष की सेहत की जांच देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, जिसमें इसे पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बताया कि बोधि वृक्ष की टहनियों पर चौबटिया पेस्ट और दवाओं का लेप किया गया है, जिससे फंगस और कीट पतंग का प्रकोप रोका गया है। बिहार सरकार देगी 10,000 रुपये। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया कि ये राशि पहले 5,000 रुपये थी और इसका उद्देश्य समाज में इंसानियत को बढ़ावा देना है। मंत्री ने बताया कि दुर्घटना के गोल्ड पीरियड में मदद करने से घायल की जान बचने की संभावना अधिक होती है। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधार के लिए शिक्षक मार्गदर्शिका जारी। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधार के लिए शिक्षक मार्गदर्शिका जारी की है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने छात्र, विद्यालय, कक्षा और अभिभावक प्रबंधन पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के समग्र विकास और भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रेरणा दी गई है। घोड़परास और जंगली सुअरों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने की तैयारी। बिहार में जंगली सुअरों और घोड़परासों की बढ़ती संख्या से किसान खेती में बाधा झेल रहे हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इन जंगली पशुओं को नष्ट करने के लिए वन विभाग के शूटरों को 2 सप्ताह के अंदर तैनात किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि राज्य में 2,95,866 घोड़परास और 67,255 जंगली सुअर एक्टिव है और बंदरों को भगाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वंदना केवट को 15 अगस्त में शामिल होने का निमंत्रण। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रोन दीदी के तहत रायसेन जिले की वंदना केवट को दिल्ली में 15 अगस्त के मुख्य समारोह में आमंत्रित किया गया है। वंदना सहित रायसेन की 8 महिलाओं को ड्रोन संचालित करने का प्रशिक्षण मिला है। समारोह में देश भर के हर जिले से एक एक ड्रोन दीदी को बुलाया गया है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 32वें राष्ट्र प्रमुख बनेंगे मोहम्मद यूनुस।
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार मुखिया बनने की तैयारी की है। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 32वें व्यक्ति होंगे जो राष्ट्र प्रमुख की भूमिका निभाएंगे। इससे पहले दुनिया भर में 31 अन्य नोबेल विजेता राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पानी के विशालकाय जहाजों का अड्डा बन रहा भारत। भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतरिम रूप दे दिया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मंजूरी प्राप्त कर ली है। इस परियोजना पर 41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पहला चरण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। आप पर गर्व है, विनेश फोगाट को मिलेगा सिल्वर मेडलिस्ट। भारत के पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिल सकता है। कुश्ती के 50 किलो भार वर्ग में फाइनल में पहुंचने के बाद अयोग्य घोषित की गई पहलवान के सिल्वर पर दावा वाली याचिका CAS ने स्वीकार कर ली है। सेंसेक्स निफ्टी गिरकर बंद, निवेशकों के डूबे 3,00,000 करोड़ से ज्यादा। भारतीय शेयर बाजार में 8 अगस्त को गिरावट देखने को मिली जिसमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 50 में 181 अंक या 0.74% की गिरावट आई और सेंसेक्स 582 अंक या 0.73% गिर गया। BSE मिड कैंप और स्मॉल कैंप सूचकांकों में भी गिरावट देखी गई। रिलायंस ने 11% कम की कर्मचारियों की संख्या। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्तीय वर्ष 2024 में अपनी वर्क फोर्स में 11% की कटौती की है। कर्मचारियों की संख्या 3,89,000 से घटकर 3,47,000 हो गई है। सबसे अधिक कमी रिलायंस रिटेल वर्टिकल में देखी गई जहां कर्मचारियों की संख्या 2,45,000 से घटकर 2,07,000 हो गई है। इसके अलावा जियो ने भी कर्मचारियों की संख्या में 95,000 से घटाकर 90,000 कर दी। लम्बर्गिनी URUSSE को 9 अगस्त को किया जाएगा लॉन्च। लम्बर्गिनी ने भारत में अपनी नई URUSSE SUV को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है जो एक शक्तिशाली इंजन और अत्याधुनिक फीचर्स के साथ आएगी। इस SUV में उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक और लग्जरी के बेहतरीन संयोजन की उम्मीद जताई जा रही है। कीमत और विशेषताओं की जानकारी 9 अगस्त को घोषित कर दी जाएगी जिससे यह SUV बाजार में धूम मचा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया है उनका नाम है धनंजय कुमार, अमृता यादव, सपना कुमारी, गुलशन भाटी, वरुण कुमार, मोहम्मद जावेद। अब बढ़ते हैं आज की सवाल की ओर। आज का सवाल है, ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसके लाने की संभावना है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।